स्टूडेंट वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ एसबीसीएस स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट इंग्लिश मॉरल वैल्यू चैप्टर 3 बिलीव इन योरसेल्फ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन क्वेश्चन फर्स्ट डिस्क्राइब अगली डब्ल्यू जो वो बतख का बच्चा क्रूर था उसका यहां पर वर्णन करना आपको अगली डब्ल्यू बी वाज अ टू लिटिल लॉन्ग उस बतख के बच्चे की जो चोंच थी वो थोड़ा बड़ी थी अगर जो डकलिंग थे उसकी अपेक्षा स्क्रफी उसके जो पंखे थे वो स्क्रफी थे एंड हिज फेस वाज अ लिटिल टू अग्ली और उसका जो चेहरा था वो भद्दा था वो पतक के समान लगता ही नहीं था। क्वेश्चन सेकंड व्हाई डिड मदर डकलिंग नेम द अग्ली डकलिंग स्टे इन द कॉर्नर इन द पॉन्ड मतलब माता जो उसकी माता थी वो उसको तालाब के किनारे पर दूसरे किनारे पर क्यों ले गई मदर डकलिंग बिकेम वेरी एम्बैरेस्ड मतलब माता जो उसकी थी मदर डकलिंग जो थी वो बहुत ही चिंतित हो रही थी और हर अगली डकलिंग अपने उस बच्चे पतक अपने बच्चे से सो मदर डकलिंग मेड हिम स्टे इन द कॉर्नर ऑफ द पॉन्ड इसलिए वो उसको तालाब के दूसरे किनारे पर ले गई थी। क्वेश्चन नंबर थर्ड व्हाट मेड द अगली डकलिंग रन अवे मतलब ऐसा क्या हुआ उसके साथ कि वह वहां से भागना चाहता था हिज मदर डिस्ट्रेस उसकी माता की परेशानी ने मेड द अगली डकलिंग रन अवे अगली डकलिंग वहां से अपने मतलब अपनी माता की परेशानी देखकर वो वहां से भाग गया। व्हाट डिड द डक्स डू विद द अगली डकलिंग अन्य जो रखते थे तालाब में वो क्या करते थे उसके साथ डक्स स्टार्टेड एट द अगली डकलिंग और अन्य बच्चों ने उसकी ओर देखना प्रारंभ कर दिया बिगन टू लाफ और उसको देखकर हंसने लगे एंड मेकिंग फन और उसका मजाक बनाने लगे। हम अपने आप नोट करेंगे कंप्लीट वर्क एंड लर्निंग